This is bomb.com chocolate chunk cookie. Just too good. I cannot believe ये मैंने बनाया है. Go watch out the recipe and don't forget to like and share. सबसे पहले मैंने एक बोल में हाफ कप पाउडर्ड शुगर ली है, आइसिंग शुगर नहीं पाउडर्ड शुगर, एंड हाफ कप लिया है ब्राउन शुगर. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप बटर. मुझे पता था कि नहीं जाएगा, गया. चलो शुक्र है. अब मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ. आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है. एक अंडा जा रहा है इसमें, हम वापस मिक्स करेंगे. ठीक है, हाफ टी स्पून इसमें जा रहा है बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून इसमें जा रहा है सॉल्ट. अच्छे से उसको वापस बीट कर लेंगे या मिक्स कर लें. मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसी होगी, आपने घबराना नहीं है. इसके बाद इसमें 1 + 1/4 कप फ्लावर जा रहा है और अब मैं फोल्ड कर रही हूँ. आप वुडन स्पून से या स्पैचुला से फोल्ड कर सकते हो, विस्क नहीं करना, बीट नहीं करना है. इसमें मैं डालूंगी हाफ कप कुकिंग चॉकलेट चंक्स. ठीक है, मेरे पास डार्क थे और मिल्क चॉकलेट थी, तो मैंने हाफ हाफ कप दोनों ले लिए हैं. आपके पास चॉकलेट चिप्स अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं है. ठीक है, इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ. अब मैंने इसको क्लिंग रैप कर दिया है और इस डो को जो है हम 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे. क्यों करेंगे? ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाए, वो एक बॉल शेप में आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से. ये देखें, 1 घंटे बाद जो है मैं इसको आइसक्रीम स्कूप से स्कूप आउट कर रही हूँ. आपके पास आइसक्रीम स्कूप ना हो तो आप हाथ में छोटा सा बॉल लेंगे और उसको बिल्कुल इस तरीके का शेप दे देंगे, लेकिन स्पेस होना चाहिए. मेरी बेकिंग ट्रे में 6 कुकीज़ आ गए थे, स्पेस देंगे क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं तो फिर ये चिपक जाएंगे एक साथ. सब पे मैंने एक चॉकलेट चंक लगा दिया है. 20 मिनट के लिए मैंने ओवन प्रीहीट कर लिया था. ऐसे ही आप स्टोव पे भी आपने पॉट को 20 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे. ठीक 15 मिनट चाहिए इसको बेक होने के लिए. और ये देखिए, ओवन से बेक होके 15 मिनट्स बाद निकले हैं और मेरा दूसरा बैच जो कि स्टोव से निकला है, सेम रिजल्ट्स हैं, कोई चेंज नहीं है. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. आई होप यू गाइज लाइक द रेसिपी. आई विल वेट फॉर योर फीडबैक. अल्लाह हाफिज़.